कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बेसिकली किस चीज से मिलके बने होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके प्रोटीन्स बने हैं, और क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन की कंपोजिशन में हेल्पफुल हैं। प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर के जो बात है वो हम ऑलरेडी अपने पिछले टॉपिक्स के अंदर भी कर चुके हैं, अपने पिछले चैप्टर के अंदर भी कर चुके हैं। अमाइनो एसिड्स क्या हैं इनको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी हम क्या बात करें, अभी हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात करें। तो प्रोटीन जो है वो हम कह रहे हैं पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, इनकी डिफरेंट चेन्स, लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं, तो हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। और प्रोटीन्स के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, हम कहते हैं हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये चीज़ें कंबाइन करती हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अमाइनो एसिड जो हैं उनका जो नंबर है हम कहते हैं वेरी करता है डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर, ये थोड़े से भी हो सकते हैं, फ्रॉम फ्यू टू मैनी, और मैनी में हम कहते हैं कि तकरीबन थाउजेंड्स में हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3000 कर लें, इस तरह से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो हैं अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट लंबी लंबी चेन्स जो हैं वो कंबाइन करती हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। अब जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं ताकि हम उसको डिटेल में देख सकें और हम इसको सही से समझ सकें। तो इसी तरह इसी से हम नेक्स्ट अपने अमाइनो एसिड्स को पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह ये प्रोटीन्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड, अगर हम अपने बॉडी की या सेल्स की बात करते हैं तो तकरीबन 170 डिफरेंट टाइप्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो 170 में से 25 इस तरह के अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अब अगर हम अपने बॉडी की बात करें, हमारे बॉडी के अंदर मोस्टली 20 डिफरेंट टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की जो कि प्रोटीन्स को बनाने में हेल्पफुल होती हैं, और यही डिफरेंट 20 टाइप्स जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अमाइनो एसिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, कैसा स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड्स का, तो उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि हम कहते हैं हमारे पास एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप, और एक साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और इसके दरमियान में हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है जिसके एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है और एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि हमारे पास है जी एक कार्बन दरमियान में, और उसके एक साइड पे हमारे पास है अमाइनो ग्रुप जिसको हम NH2 कहते हैं, और एक साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप हमने पिछले अपने लिपिड्स के स्ट्रक्चर के अंदर भी देखा था। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, हमारे पास COOH, ये जो हमारे पास ग्रुप है इसे हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है, और हमने हमें पता है कि कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड्स बनाता है तो एक साइड पे हमारे पास एक ग्रुप है R के नाम से, हम इसको डिनोट कर देते हैं। ये जो R है ये कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप जिसमें मिथाइल ग्रुप भी आ सकता है, इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप हम इसके साथ ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड बन जाता है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो R मैंने यहाँ पे लिखा, ये हमारे पास क्या बन गया, पूरा का पूरा हमारे पास अमाइनो एसिड बन गया ये पूरा स्ट्रक्चर। इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर हमने आपसे कहा कि ये जो R है अगर इस R की जगह हम H लगा दें, यानी कि यहाँ पे R ना लगा हो बल्कि H लगा हो, तो उस तरह के अमाइनो एसिड का हम कहेंगे, उसको कहते हैं ग्लाइसिन, उसका नाम ग्लाइसिन है। इसी तरह ये जो R ग्रुप है इसकी जगह हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें नंबर्स मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप अगर उसके R की जगह, इस R की जगह अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ जाए तो हम कहेंगे कि इस वाले जो हमारा अमाइनो एसिड है इसका नाम है एलानिन।
तो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप, ये जो हमारे पास आर ग्रुप है, डिफरेंट फॉर्म में अगर ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो, तो इसके जो नेमिंग्स हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो मुख्तलिफ होते जाते हैं, और यही वजह है कि हमारे पास हज़ारों की तादाद में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये जब आपस में कंबाइन करेंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और लंबी सी चेन्स बनती जाएंगी हमारे पास, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन गया है। जब भी हम कम्बिनेशन की बात करते हैं, जब भी हमारे पास एक अमीनो एसिड, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, और हमारे पास एक दूसरा अमीनो एसिड है, कोई भी अमीनो एसिड ये हो सकता है, ये आपस में कंबाइन करते हैं, इनके दरमियान में एक तो एक बॉन्ड बनती है। जब भी इनका कम्बिनेशन होता है तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और एक न्यू बॉन्ड बन जाती है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमने क्या पढ़ लिया कि डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बन जाती है और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। एक स्ट्रक्चर को हम देखते हैं ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। अभी हमने क्या बात की, एक ग्लाइसिन और एलेनिन, इन्हीं के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, अभी हमने आपको बताया। सबसे पहले हमारे पास दरमियान में एक कार्बन है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं, वो इसलिए बिकॉज इस कार्बन के साथ ही डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास ज्वाइन होते हैं। ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में हमारे पास इस तरह से दो हाइड्रोजन है, एक साइड में हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन ओ एच, और एक साइड में हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, इस तरह से हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बन गया ग्लाइसिन का। अगर ग्लाइसिन हमारे स्ट्रक्चर में, यही ग्लाइसिन अगर कंबाइन करे हमारे पास एलेनिन के साथ तो क्या होगा, एलेनिन का स्ट्रक्चर कैसा है, अभी हमने आपको बताया। एलेनिन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे मिथाइल ग्रुप आएगा, और एक साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया, और दूसरी साइड पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप आ गया, इस तरह से। तो ये हमने क्या बनाया, एक हमने बना लिया स्ट्रक्चर, ये हमारे पास ग्लाइसिन था और ग्लाइसिन कंबाइन हुआ एलेनिन के साथ। ग्लाइसिन जब एलेनिन के साथ कंबाइन होगा तो क्या होगा, हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। हमने आपको बताया कि जब भी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन करता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिलीज होता है, नई बॉन्ड जो बनती है वो किस तरह से बनती है, वो नई बॉन्ड इस तरह से बनती है कि हमारे पास जो एक अमाइनो एसिड है उसके कार्बोक्सिल ग्रुप में से ओ एच पार्ट और दूसरे अमाइनो एसिड के जो अमाइनो ग्रुप है उसमें से एच जो है वो अलग हो जाते हैं, और ये एच और ये ओ एच आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा जी। तो कुछ इस तरह का हमारे पास नया स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें क्या है कि यहाँ से हमारे पास इस साइड से एक OH ग्रुप अलग हो गया और यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन अलग हो गया। जब ये अलग होंगे तो होगा ये कि हमारे पास एक नई बॉन्ड बनेगी और वो होगी इस तरह से, यानी एक अमाइनो ग्रुप जो है वो एक कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। ये जो बॉन्ड बनी है न्यू बॉन्ड, इसको हम कहते हैं ये है पेप्टाइड बॉन्ड। और हुआ क्या कि हमारे पास एक पूरा नया स्ट्रक्चर बन गया, और इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्लाइसिन एलेनिन। ग्लाइसिन एलेनिन क्या है, ये बेसिकली एक डाई पेप्टाइड है। डाईपेप्टाइड का ये मतलब है कि हमारे पास दो अमाइनो एसिड थे जो कि इकट्ठे हो गए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है और हमारे पास एक नया अमाइनो एसिड बन गया है ग्लाइसिल एलेनिन। इस तरह से
अगर हम मज़ीद डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स को कम्बाइन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। वो किस तरह से? उस तरह से कर सकते हैं कि अब आप अगर इसके ये जो डाइपेप्टाइड हमारे पास नया बना है स्ट्रक्चर, इसके इसके ऊपर अगर आप वो करें तो इसके एक साइड पे हमारे पास यहाँ पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। और ये जो अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप ये मज़ीद किसी और कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन कर सकता है। इसी तरह इसी अमाइनो ग्रुप के यही जो अमाइनो एसिड है, इसके दूसरी साइड पर हमारे पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये जो हमारे पास डाइपेप्टाइड बना है, ये दोनों साइड से, अगर हम इस साइड से बात करें तो यहाँ से भी, या फिर ये यहाँ से, दोनों साइड से किसी भी और अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन कर सकता है और हमारे पास कोई और नया स्ट्रक्चर भी बन सकता है। जैसे कि अभी तो हमारे पास डाइपेप्टाइड बना है, नया स्ट्रक्चर बनेगा, हमारे पास ट्राइपेप्टाइड बन सकते हैं, या हमारे पास मजीद टेट्रापेप्टाइड बन सकते हैं। ये इस तरह हमारे पास जो पेप्टाइड्स हैं ये इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि अमाइनो एसिड ज़्यादा होते जाएंगे, और यही अमाइनो एसिड के ज़्यादा होने से हमारे पास नए नए स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे। अगर हम बड़े बड़े प्रोटीन्स की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल देखी पीछे हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास 574 जो हैं वो अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं, 574 अमाइनो एसिड। तो हमारे पास एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स के कंबाइन करने से हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करेंगे। आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या कुछ पढ़ा। सबसे पहले तो हमने प्रोटीन्स को देखा, हमने कहा कि प्रोटीन्स क्या है, इनकी क्या परसेंटेज है हमारे बॉडी के अंदर। हमने प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शंस को देखा, क्या क्या प्रोटीन्स के फंक्शन है, किस किस तरह से प्रोटीन्स हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स वो बनाते हैं। फिर हमने कंपोजिशन देखी प्रोटीन्स की, हमने कहा कि प्रोटीन्स क्या क्या बनाते हैं, ये किन किन से मिलकर बेसिकली बने होते हैं। हमने कहा प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं, अमाइनो एसिड के अलावा फिर हमने प्रोटीन्स के डिफरेंट एलिमेंट्स को देख लिया कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोटीन्स को बनाने में हेल्पफुल हैं। और फिर उसके बाद हमने अमाइनो एसिड को डिटेल में देखा, हमने देखा कि कितनी टाइप्स हैं, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, उनके स्ट्रक्चर किस तरह से डिफरेंट होते हैं। और फिर हमने अमाइनो एसिड के एक रिएक्शन को हमने देखा कि किस तरह से दो अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं। इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा दोबारा से आपको बता देते हैं। हमारे पास क्या था? हमारे पास एक ग्लाइसिन था और हमारे पास एक एलानिन था। ये दो हमारे पास अमाइनो एसिड थे, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और क्या हुआ, इन दोनों के कंबाइन करने से हमारे पास एक नया अमाइनो एसिड बना जिसका क्या नाम है, जिसका नाम था ग्लाइसिल एलानिन। और इसके साथ साथ हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, और हुआ क्या कि ये दो अमाइनो एसिड थे आपस में कंबाइन हो गए पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। अपने मजीद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको हम डिटेल में देखेंगे। और फिर हम इसके बाद देखेंगे कि प्रोटीन्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, किन किन फॉर्म्स हैं, किन किन टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी कि हम उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हम प्रोटीन्स को किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।